जिंदगी में, देखिए एक जिंदगी लेने के बाद ये बैठा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अपन तक बने रहे, क्योंकि इस काम में जो है हर एक समय, हर एक सेकेंड, हर एक टाइम खतरा बना हुआ रहता है। तो दोस्तों, खतरा कभी भी हो सकता है। तो चलिए अंदर की ओर, कौन सा सांप है उसको रेस्क्यू किया जाए। देखा दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार से एक कोबरा सांप, जिसे हम लोग नाग गेहूं और खरीस फिटार के नाम से जानते हैं, इसे ही, क्योंकि दोस्तों ये न्यूरोटॉक्सिन वाला सबसे वेनमस, सबसे जहरीला सांप, इसके काटने पर ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस इंसान मर जाता है, इंसान डेथ हो जाता है। इसलिए क्या खूबसूरत सी जगह, और उसी में क्या डेंजर सामान रहता है, क्या सांप, क्योंकि दोस्तों आए दिन भारत देश में ये सांप के दंश से, सांप के काटने से बहुत सारे आदमी, बहुत सारे मनुष्य मर जाते हैं। तो उसी में हम लोग एक छोटा सा एक काम करते हैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए। आइए कैमरा मैन सामने 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 जिंदगी की भागम भाग की जिंदगी में, देखिए एक जिंदगी लेने के बाद ये बैठा हुआ था। बेटा को लीजिए, एक जिंदगी ले लिया है पहले। अपना भोजन को फिर से एक बार दिखाइए, अपना भोजन को ये खा रहा था, और इसे हम लोग मेढक के नाम से जानते हैं। एक जिंदगी लेने के बाद कितना ही आराम से यह जो सांप है बैठा हुआ है। तो दोस्तों फिर से एक बार कहना चाहते हैं, इसके काटने से ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस इंसान मर जाते हैं। इसलिए अगर इलाज ना हो तभी इंसान मरते हैं, ऐसे में इंसान नहीं मरते हैं। आए दिन लोग क्या करते हैं, झाड़ फूक, ओझा गुनी, तंत्र मंत्र के चक्कर में चले जाते हैं, और इंसान का डेथ निश्चित हो जाता है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कोई भी सांप, कोई भी रेप्टाइल अगर आपको काट ले, तो आप कहां जाएं, सरकारी सदर अस्पताल या फिर कोई दवाई खाना, डॉक्टर खाना, नहीं तो अगर झाड़ फूक ओझा गुनी में के चक्कर में आप रह जाते हैं, तो आपका फिर जिंदगी से हाथ धोना निश्चित है। तो एक बार दोस्तों देखिए, इसी को हम लोग नाग, इसी को कहीं कहीं गेहूं, कहीं कहीं फिटार, खरीस के नाम से जानते हैं। और थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण हमारा थोड़ा सा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। विराट तो खोरिस, किंतु मानुष थे कि विराट नहीं, आज के डेट में मनुष्य से जहरीला, मनुष्य से बेजहर प्राणी पाया नहीं गया है, क्योंकि ये जो सांप है अपने फायदे के लिए नहीं डसते हैं, मनुष्य जितने भी है अपने फायदे के लिए डसते हैं। एक बार लीजिए, जी हुई इसके साथ कोई बदतमीजी, कोई छेड़छाड़, कोई चुप चाक होता है, तभी ये सांप आपको और हमें बाइट कर लेता, और बाइट करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अभी से ना कोनो ये अपने पोज में आ चुका है। मेरे साथ सबका तो दोस्तों लाजमी है, दोस्तों अपना परम कर्तव्य बनता है किसी सांप को, किसी एनिमल को, किसी रेप्टाइल को बचाना, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण का एक अहम हिस्सा होता है। सांप बचाइए, पर्यावरण हमेशा बचा रहेगा। और ये जहाँ अनाज रहता है वहाँ दोस्तों देखिए, जहाँ आदमी रहता है वहाँ अनाज रहता है, और जहाँ अनाज रहता है वहाँ चूहा का आना लाजमी है, और उसी में क्या पेट का जो एक ये होता है उसे खाने के लिए आए दिन आपको हमारे घर में ये सांप जो है प्रवेश कर जाते हैं, और उसी में आपका पैर, पापी पेट का दोस्तों सवाल है, उसी में आपका पैर इसके ऊपर दब जाता है, दबने के बाद ये आपको काट लेता है, और काटने के बाद न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन अल्पास्ते आस्ते आस्ते न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन को अरे अल्पास्ते न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन को ये ये न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन को आपके शरीर में एंटर कर देता है, और एंटर करने के बाद क्या होता है, मनुष्य को धीरे धीरे नींद आना,
मुंह से लार निकलना और आहिस्ता आहिस्ता कोमा में चले जाना, तो इसी में आपका भलाई है। आप हॉस्पिटल की ओर एयरपोर्ट दूर हो गया भल हो। सांप पकड़ना एक आर्ट है, एक कला है, इसे आप लोग ना दोहराएं, नहीं तो फिर भोज होना निश्चित है। हमारी तरह अगर देखिए आप जो काम कर सकेगा वो हम नहीं कर सकेंगे, और जो हम कर सकेंगे वो आप नहीं कर सकिएगा, क्योंकि ये एक डेंजर सामान है। क्योंकि सांप नहीं, सांप के नाम से लोगों को डर, लोगों को भय, लोगों को आतंक है। लीजिए एक बार सामने से। देखिए जैसे ही इसके ऊपर अगर दब जाता है फिर ये आपको बाइट कर लेता है। देखिए जब इसके साथ कोई छेड़छाड़, कोई बदतमीजी होती है तभी ये आपको डसता है, नहीं तो कोई सांप आपको डसेगा नहीं। और घड़ी में बज चुके हैं रात का 10, और उसी में हम लोग सांप को अपने गांव में रेस्क्यू करने के लिए आए हुए हैं। और देखिए कहीं भी अगर सांप निकलता है तो लोग हमें सूचना के माध्यम से, कॉल के माध्यम से बुलाते हैं, वहाँ हम जाते हैं, सांप को रेस्क्यू करते हैं और पुनर्वास के लिए किसी वीक फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं। हमारा काम ही यही है। तो एक बार देरी देखिए गुस्सा से किस प्रकार से अपना शरीर को ये वाइब्रेट कर रहा है, फुला रहा है। दूर से पूरा एक बार ले लो। देखिए कुछ खाया हुआ है लग रहा है फिर से। देखिए उछल तो मारेगा मेरे पैर में। तो दोस्तों हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन साइड में दिया हुआ उसे भी प्रेस कर ले, क्योंकि सांप से, रेप्टाइल से, एनिमल से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा। क्योंकि दोस्तों जानकारी ही बचाव है आज के डेट में, इसलिए आपके आपके मोबाइल तक पहुँचता रहेगा। तो एक बार इसका कलर को गौर कीजिए, इसी को कहीं कहीं तेतुला खरीश के भी नाम से जाना जाता है। 29 स्टेट में 29 नामों से जाना जाता है। इसे 4 से 5 गुना आहार करने में सक्षम सांप आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है। और सांप अगर आप ज़्यादा संख्या में मारते हैं तो मनुष्य का अस्तित्व आहिस्ता आहिस्ता खतरे में आ जाएगा, और खतरे में आने से क्या होगा, मनुष्य खत्म होने। ऐसे ही कोरोना काल में बहुत आदमी खत्म हो चुका है, अब इसको मारिएगा तो और ज़्यादा खत्म होइएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका दोस्त भाई बंधु मिलता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें रात में, और हमारी तरफ से गुड नाइट।